प्रेजेंटेशन देखकर अगर अच्छा लगा हो तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो सभी लोग बोलते होंगे बट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्याज, गरम मसाला कुट लिया है और लहसुन अदरक। तो इन सभी को मैंने पहले मिक्स करके और पीस लिया था। तो ये मैंने लिया है बॉयल्ड कीमा। बॉयल्ड कीमा में हम ये सारे अपने पिसे हुए मटेरियल को इसमें मिला देंगे। और मैंने कुछ सूखे मसाले यूज़ किए हैं, मिर्ची, हल्दी, नमक। तो इन सभी को हम मिला लेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है आधी शिमला मिर्च और ये हरा धनिया। तो इन सभी को मिलाकर हम एक ग्राइंडर में इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो मसालों को खड़ा ही डाल के बारीक कर सकते हैं, बट मेरा ग्राइंडर थोड़ा सा फाइन नहीं पिसता है, तो इसलिए मैंने उसको अलग पीस लिया था और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अलग से पीस लिया है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब इसका हम बनाते हैं शेप, क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं ये तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख के समझ लिया होगा। हाँ ठीक है, तो हम लोग बनाने वाले हैं सीख कबाब, वो भी पैन में। तो इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच इसमें 2 बड़े चम्मच यूज़ किए हैं बेसन, और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने यूज़ किया है ताबानी टिक्का मसाला। ताबानी टिक्का मसाला में इसमें कॉर्नफ्लावर, मिर्ची और सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो चिकन फ्राई वगैरह में यूज़ होता है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी, क्योंकि जो हमारा मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी था, तो इसलिए ये सब डालने पर सही हो गया है। तो अब हम लेते हैं एक पैन। पैन में मैंने डाला है घी, ये देसी घी है। तो इसको ये ठंडा ही पैन है, पैन में पानी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। तो मैंने ये अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप बिना स्टिक के भी बना सकते हैं सीखो। तो मैंने ये एक ऐसे ही घर पे स्टिक ले लिया है किसी भी चीज़ के। तो स्टिक में इस तरीके से हम फंसाते हुए इसको एक शेप दे देंगे जो आपका होता है। तो शेप को आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप कितना बड़ा साइज रखना चाहते हैं। इसको ऐसा से हमें उसी पैन में रखते जाना है ताकि उठाने और रखने में ये एकदम से टूट ना जाए। और ये नॉन स्टिक पैन में अगर बनता है तो ये बहुत सही रहता है, अदरवाइज बाकी के पैन में चिपकने वगैरह का भी टेंशन रहता है। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और इसको मैंने रख दिया है गैस पर। अब ये देखिएगा, ये मैंने अभी मीडियम फ्लेम रखा है। जब पैन आपका गर्म हो जाएगा तो आप लो भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसको हम सेक लेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो कच्चे कीमे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बॉयल कीमा यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। आप डायरेक्टली कच्चे कीमा का जो बारीक पिसा हुआ होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को कच्चा पपीता यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम ऊपर नीचे करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइड से हो चुके हैं। अब हमें इसमें देना है कुछ स्मोकी सा फ्लेवर, तो इसको हम थोड़ा सा साइड करके बीच में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, क्योंकि हमें बीच में कटोरी रखना है। छोटी कटोरी अगर आपके पास है तो और छोटी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कोयला अलग से जला लिया था, तो इसको हम डाल के इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और फौरन इसका ढक्कन बंद कर देंगे।
भी धुआँ होगा वो उसी में ऑब्जर्व हो जाएगा। और जिस तरीके से भट्टे पर बनता है तो कुछ वैसा ही आपका टेस्ट आएगा। तो ये हो चुका है, देखिएगा। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। तीन प्लेट में निकाल लिया इसको। आप हरी चटनी के साथ, सलाद के साथ और नींबू वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।